हेलो एवरीवन सो आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर निकी राजपूत वेलकम्स यू ऑन द वेक्टर एजुकेटर्स ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म तो जैसे कि जो सीरीज शुरू की थी प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चंस की सो so आज उसका डे थर्टीन है सो so अगर अभी तक आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस को चेक नहीं किया सो यू कैन चेक इन माई प्ले इन विच यू विल गेट एम्पल अमाउंट ऑफ नॉलेज सो लेट स्टार्ट आवर क्वेश्चन सेशन सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इन द एम स्टमक म्यूकोसल फोल्ड्स अपीयर दे आर कॉल्ड ओके तो ये पूछा है कि एम्प्टी टी स्टमक मतलब कि जब हमारे स्टमक में या फिर जब हम कोई फास्ट रखते हैं जब हमारा स्टमक एम्प्टी होता है तो वहाँ पे एक म्यूकोसल फोल्ड निकल आता है तो उसे हम क्या कहते हैं सो यहाँ हमारे ऑप्शन है फावियॉल्स एनसी एंग एंगरिस और र्यूगी नन ठीक है तो यहाँ तो पर पूछा है कि एम्प्टी टी स्टमक में जो म्यूकल म्यूकोसल फोल्ड होता है उसको क्या कहते हैं सो यहाँ पर एनसी एनसी न्यूरा एंगुलस है तो ये भी एक तरह का बैंड होता है येस ये भी एक बैंड होता है कर्वेचर में स्टमक के बैंड इन स्टमक ओके और उसके एंड में होता है एंड ऑफ द पायलरिक एंड एंड ऑफ पायलरिक वहां पर ये प्रेजेंट होता है एंसिड ये भी एक बैंड होता है बट ये जो फोल्ड होता है म्यूकोसल फोल्ड पूछा है ना यहाँ तो ये म्यूकोसल फोल्ड जो है उसको हम कहते हैं रिगी और रिगी का हम गैस्ट्रिक फोल्ड भी कह सकते हैं so yes, इसको हम गैस्ट्रिक फोल्ड भी कहेंगे तो भी चलेगा और हमें इसको गैस्ट्रिक रुग भी कह सकते हैं गैस्ट्रिक रुग ओके सो येस इन द एम्प्टी स्टमक म्यूकोसल फोल्ड अपीयर दे आर कॉल्ड एस रुग सो ये जनरली इसका काम क्या होता है सो so, ये क्या करेगा एक्सपांशन करेगा स्टमक का मतलब कि जब भी फूड uh, या फिर लिक्विड जो है अगर स्टमक में आता है तो ये जनरली इसका जो फंक्शन है ये एक्सपांशन करेगा स्टमक का सो इट इट्स फंक्शन इज टू एक्सपांशन ऑफ स्टमक ओके, सो, यस, का ये काम होता है कि वो एक्सपांशन करेगा मैक्सिमम एक्सपांशन हो सके ताकि मैक्सिमम जो फूड है कभी फूड का या लिक्विड का वहां हो सके सो यस अवर करेक्ट आंसर इज रूग नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज बाउंड इज एनहांस्ड बाय विटामिन, ओके सो यहाँ वाउंड हीलिंग वाउंड वाउंड मतलब क्या होता है जैसे कि चोट हुई है फिर खरोच हुई कोई भी, भी लगती है तो हम कौन सा वाइटामिन जो है वो बढ़ाएगा वो मतलब जल्द से जल्दी हील हो सके वो चोट जो है तो कौन सा वाइटामिन हम कंज्यूम करेंगे या फिर अपने टैबलेट्स या पिल्स में लेंगे या फिर अपने फूड में लेंगे तो जो वाउंड है जो चोट है जल्दी से ट्रीट हो जाएगी सो यहाँ ऑप्शन है वाइटामिन ए वाइटामिन सी वाइटामिन डी एंड वाइटामिन ई e. सो so, हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज वाइटामिन सी वाई वाइटामिन सी क्यों वाइटामिन सी ही जो है वाउ बाउंड हीलिंग में जो है एक्सपांशन करेगा सो वाइटामिन सी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा किस में कि कॉलेजन सिंथेसिस हो सके फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड सेल्स का है फॉर्मेशन हो सके सो so यस yes, इसका काम क्या होता है कोलेजिन सिंथेसिस एंड इन मेकिंग ऑफ एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स न्यू ब्लड वेसल और ये एज अ एंटी भी काम करेगा जैसे कि इम्यून सिस्टम जो है बॉडी का वो भी इंक्रीज कर सकता है ये सो यस इट आल्सो इंक्रीजेस इम्यून सिस्टम और मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन भी ये करता है विटामिन सी जो है वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करेगा और बॉडी में जो है वो इंक्रीज कर देगा आयरन को सो so, यह yeah, जो वो वाउंड चोट है वो जल्दी से ट्रीट हो जाएगी तो हम क्या कंज्यूम करेंगे हम क्या लेंगे जिसकी वजह से जो वाइटम जो वाउंड है जो भी चोट या कुछ भी खरोच लेगी वो ठीक हो जाएगा so, जैसे कि मैं एग्जाम्पल दूँ ऑरेंज या फिर ब्रोकली आप कंज्यूम कर सकते हो ऑरेंज कंज्यूम कर सकते हो स्ट्रॉबेरीज कंज्यूम कंज्यूम कर सकते हो अपने फूड में या फिर आप गार्लिक भी ले सकते हो सो हियर इट इज एग्जांपल। तो ये कुछ एग्जाम्पल विटामिन सी जो हाईएस्ट अमाउंट में होता है लेकिन जो ऑरेंज है वो बेस्ट सोर्स होता है जो हमें ईजिली अवेलेबल भी होता है और हम उसको कंज्यूम करेंगे सो इट इज रिच इन वाइटामिन सी सो येस बाउंड हीलिंग इज एनहांस्ड बाय वाइटामिन सी सो बी इज अवर करेक्ट आंसर नाउ हमारा अगला क्वेश्चन दैट इज वॉट इज ट्रू अबाउट नेरिस स्कॉर्पियन कॉकरोच एंड सिल्वर फिश तो यहाँ पूछा है, है यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि ये चार इंसेक्ट्स के जो नेम दिए हैं चार, तो ये मतलब इनमें क्या इनमें का क्या, क्या चीज़ कॉमन है ठीक है तो यहाँ पे ऑप्शन है दे ऑल पर्जिस इज हार्ट देन नन ऑफ दैम इज एक्वेटिक देन दे आर ऑल बिलोंग टू सेम फाइलम एंड दे ऑल हैव जॉइंट पैर अपेंडेज ओके तो यहाँ पे जो नेरिज है नेरीज इज नथिंग बट जैसे कि ए, इस एक अर्थ का ही टाइप है मतलब कि अर्थ जैसा ही वो दिखने में होता है और जनरली ये जो कौन से फाइलम से बिलोंग करता है ये एनेलिड फाइलम से बिलोंग करता है ओके okay? ये एनेलिड फाइलम से बिलोंग करता है

और अगर आ, सामने की तरफ मतलब आगे की तरफ अगर आ, हार्ट होता है तो उसको हम वेंट्रल हार्ट कहते हैं so, सो यस yes, इनमें जो हार्ट होगा वो डोरसल साइड मतलब बैक साइड मतलब होगा हम तो इसमें हार्ट कहते फिर नन ऑफ सो यस नन ऑफ बट uh, स्कॉर्पियन जो है बिच्छू so, so, no, जो है वो एक्वेटिक है सो दे ऑल बिलोंग टू सेम फायलन सो नो दे ऑर्डर दे ऑल नॉट बिलोंग टू सेम फायलन क्योंकि मैंने जैसे बताया कि नैरिस जो है वो एनेलिड है स्कॉर्पियन कॉक्रो सिल्वर फिश जो है वो आर्थ्रोपोडा है और फिर दे आर ऑल नहीं ज्वाइंटिजिस नहीं होते हैं तो so हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए दैट इज इन चारों में ये एक जो कॉमन चीज है दैट इज इनके पास जो हार्ट है वो डॉर्सल साइड में होगा डॉर्सल साइड मतलब इनके बैक साइड मतलब इनके पीछे के साइड हार्ट होगा सो ये इज अवर करेक्ट आंसर तो तो आप जानते हो के बारे में पढ़ा भी भी होगा होगा फिर देखा हो हम वो तो हम वो देख सकते हैं उसको ठीक है और पूछा है, तो पेरी क्या होता है इसको जो पूरा नाम है दैट इजैनेटा अमेरिकाना अमेरिकाना ओके सो ये क्या है? ये कौन सा इंसेक्ट है से so, ये भी आपने अपने घरों में अभी किसी में देखा है क्योंकि इसका जो नॉर्मल नाम है वो है कॉकरोच हम इसको कॉकरोच से रिफर करते हैं बट आ, जैसे कि अगर बायोलॉजिकल टर्म में देखा जाए तो इसको पेरी प्लेटा अमेरिका कहा जाता है सो so, इन दोनों में कॉमन चीज़ का है अब इसमें वो भी देखना है सो बोथ हैव रेड कलर्ड ब्लड ये ऑप्शन ए है बोथ प्रोसेस एनल स्टाइल एंड फिर नेक्स्ट ऑप्शन है बोथ हैव माइलफेजियन ट्यूब्यूल्स और फिर नेक्स्ट है हमारा बोथ हैव सेगमेंटेड बॉडी ओके सो यहाँ पे पूछा है कि दोनों में क्या रेड कलर का ब्लड होगा या फिर दोनों में एनल स्टाइल सेम होगी या फिर मारपेज इन ट्यूब्यूल्स होगा या फिर सेगमेंटेड बॉडी होगी सो so, एक्चुअली इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेगमेंटेड बॉडी क्योंकि अर्थव की भी सेगमेंटेड बॉडी होती है और पैनी प्लेट की भी सेगमेंटेड बॉडी होती है सो ये कॉकरोच भी होता है उसमें सेगमेंट होता है बट अमेरिक अर्थव जो है वो मेटामेरिकली सेगमेंटेड होता है मेटामेरिकली सेगमेंटेड ओके बट जो कॉकरोच होता है वो एक्सटर्नली सेगमेंटेड होता है मतलब उसका जो सेगमेंट है वो बा, वो बाहर से दिखेगा अंदर से नहीं होता वो वो सिर्फ एक्सटर्नली सेगमेंटेड होता है ओके okay? सो so, ये मेटामेरिकल सेगमेंट में क्या होगा मतलब एक लीनियर वे में या फिर एक इक्वल पार्ट में जो सेगमेंट्स होते हैं डिवाइडेड होते हैं उसको हम मेटामेरिकली सेगमेंट बोलते हैं और यहाँ करेक्ट आंसर है बोथ हैव सेगमेंटेड बॉडी सो अर्थकॉम की और पेरी प्लेनेट की पेरी प्लान की जो है वो सेगमेंटेड बॉडी होगी सो जो हमारा डी है वो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पूछा है बोथ है मालफेजन ट्यूबुल्स मालफेजन ट्यूबुल्स क्या होता है सो मालफेजन ट्यूबुल का मतलब होता है इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्सक्रेटरी एंड ऑस्मो रेगुलेटरी सिस्टम सो येस मालफेजन ट्यूबुल इज अ टाइप ऑफ एक्सक्रेटरी एंड ऑस्मो रेगुलेटरी ऑस्मो रेगुलेटरी सिस्टम ओके सो so, ये नहीं है उनमें मॉलफजिटिबल्स नहीं होते हैं सो so, उनमें एक्सक्रेटिव ऑस्मोनेबल सिस्टम जो है वो इक्वल नहीं होंगे बट उनकी जो बॉडी है वो सेगमेंटेड पार्ट में होगी सो डी इज आवर करेक्ट आंसर नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लाइटलेस बर्ड एमोंग द फॉलोइंग इज ओके तो हमें पूछा है कि इन चारों में से कौन सा है बर्ड है वो फ्लाइटलेस मतलब बर्ड है लेकिन वो उड़ नहीं सकता है सो so, इनमें उनके स्पीशीज के नाम दिए हैं दैट इज ए है कोलम्बा देन न्योफ्रोन देन स्ट्रूथियो एंड कॉरस अब फर्स्ट कोलम्बा तो क्या पता है आपको कोलम्बा का मतलब क्या होता है हाँ हम देखते हैं हम जनरल इसको देख भी सकते हैं इजीली हम कहीं पर भी बाहर जाए बिल्डिंग जो बिल्डिंग में रहते हैं इजीली उनको देख सकते तो आप थोड़ा हिंट दे दिया मैंने सो ये कोलम्बा मतलब इसको हम नॉर्मल uh, लैंग्वेज में बोलते हैं पीजिन इट इज़ अ टाइप ऑफ पीजन यस फिर नेक्स्ट है हमारा न्यूफ्रोन सो so, न्यूफ्रोन जो है उस, उस वो एज अ टाइप ऑफ वल्चर मतलब ये वल्चर जो है वो इजीली इंडिया में तो नहीं है मतलब मैंने तो नहीं देखा पर इंडिया में मोस्ट अवेलेबल नहीं बट अमेरिका ये यहाँ ज़्यादातर देखने को मिलेंगे ये वल्चर्स फिर सी है हमारा ऑस्ट्रिच दैट इज ट्रूथियो और फिर लास्ट है हमारा कोरस सो इट इज़ अ टाइप ऑफ क्रो और ये क्रो भी जो है वो अमेरिका में इस, मतलब इसको कहा भी जाता है अमेरिकन क्रो कहा भी जाता है सो so, यहाँ पे पूछा है फ्लाइटलेस बर्ड मतलब कि वो उड़ नहीं सकता सो so, यहाँ पर पीजन है सो so, आप जानते हैं पीजन तो उड़ भी सकता है और एग भी ले करता है फिर नेक्स्ट हमारा वल्चर वो भी उड़ सकता है ऑस्ट्रेच मतलब उसकी हैवी बॉडी होने की वजह से वो उड़ नहीं सकता बट उसको हम एज अ बर्ड में ही काउंट करते हैं फिर नेक्स्ट है कोरस तो दैट इज़ क्रो तो वो भी उड़ सकता है सो यहाँ पर जो फ्लाइटलेस बर्ड पूछा है मतलब जो उड़ नहीं सकता तो करेक्ट आंसर जो है वो है दैट इज मतलब कि ऑस्ट्रिच ओके तो आप इनके नाम जरूर याद रखना पीजन को क्या कहते हैं वल्चर को क्या कहते हैं ऑस्ट्रिच को क्या कहते हैं और अमेरिकन क्रो को क्या कहते हैं ओके सो यस फ्लाइटलेस बर्ड अमंग द फॉलोइंग इज ट्रूथ्यू नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन कम्स टू अ चेस्ट फिजिशियन विद द कंप्लेन ऑफ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग मेनी मेनी टाइम्स ड्यूरिंग एक्सपीरेशन ओके On further investigation, he is found to have a long history of smoking, which disease is likely to suffer. Okay, तो यहाँ पे पूछा है कि एक person है, एक patient है, जो chest physician के पास आता है, उसकी complaint क्या है? कि उसको ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होती है ब्रीदिंग में मतलब कि कब होती है एक्सपिरेशन के टाइम मतलब इन्हेलेशन करता है और एक्जेशन जो होता है हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस जो होती है मतलब ऑक्सीजन को इनटेक करना और सी ओ टो उसको एक्जेल करना उस टाइम मतलब एक्जेलिंग के टाइम पर उसको बहुत डिफिकल्टी होती है और जब उसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पता चला कि उसको लॉन्ग हिस्ट्री है स्मोकिंग की मतलब वो स्मोक करता है सो so, यहाँ पे वो वे कौन सी डिजीज से वो सफ़र कर रहा है तो हमें जानना है वो कौन सी डिजीज से सफ़र करता है तो so फर्स्ट हमारे ऑप्शन देखते हैं हमारे ऑप्शन है ए डेट इज अस्थमा सो अस्थमा में क्या होता है कि जो एयरवेज है मतलब सेक्स जो होता है एयरवेज वो क्या हो जाएगी नैरो हो जाएगी मतलब उसके जो एरिया uh, है वो कम हो जाएगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा म्यूकस प्रोड्यूस करने लगेगा ये मैं आपको ब्रीफ कर रही हूँ अस्थमा के बारे में ना उसके बारे में और भी है अस्थमा के बट हम नॉर्मल लैंग्वेज में कह रहे तो जो एयरवेज है वो जो वो कम हो जाएगी एक्स्ट्रा म्यूकस प्रोडक्शन होगा और ब्रीदिंग में है वो शॉर्टेज होगा और जो छोटी छोटी जो विस्लिंग साउंड है मतलब कि जब हम ब्रीथ करते हैं सांस लेते हैं चाहे वो सोते वक्त है फिर कभी भी बैठे रहे ब्रीथ करने टाइम तो एक विस्लिंग से साउंड आने लगेगी मतलब कि डिफिकल्टी होगी ब्रीदिंग में इसलिए साउंड जो है जनरेट होती है जब हम बात कर जब जब भी सांस ले रहे हैं या फिर कहीं बैठे हैं जब एनहिलेशन एक्सलेशन करते हैं तो एक विस्लिंग साउंड आती है सो so, येस yes. तो ऐसे में ये होता है नेक्स्ट है हमारा ब्रॉनकाइटिस सो so, ब्रॉनकाइटिस में क्या होता है जो ब्रॉनकाई के जो सेल्स होते हैं वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं और ये इन्फेक्शन जो है वो नोज और थ्रोट में होता है सो so, पहले तो क्या होगा ब्रॉनकाई सेल्स जो है वो इन्फेक्टेड हो जाएंगे राइट उसके बाद ये ये कहाँ होता है नोज और थ्रोट में ओके okay? और फिर ये लेटर किस में होता है आगे चल के किस में हो जाएगा ब्रोंकियल ट्यूब्स में ब्रोंकियल ट्यूब्स में और उसकी वजह से जो पेशेंट होगा उसको आ, स्वेलिंग हो जाएगी आ, मतलब थ्रोट में नोज में थ्रोट में एक्चुअली नोज में तो नहीं बट थ्रोट में जो है वो स्वेलिंग हो जाएगी जिसकी वजह से उसको कफिंग शुरू हो जाएगी ओके तो जनरली ये टक्कर इन ब्रोंकाई सेल्स मतलब ब्रोंकाई सेल्स से ही शुरू होगा नेक्स्ट है हमारा निमोनिया सो निमोनिया क्या होता है सो इट एक्चुअली मतलब कि एक बर्निंग uh, सेंसेशन होगा चाहे एक लंग्स में चाहे दोनों ही लंग्स में हो जाएगा और इसका जो एयर जो एयर सेक होगा उसमें बहुत सारा फ्लूड जमा होगा जिसकी वजह से जो पेशेंट होगा उसको कफिंग फीवर ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी सब स्टार्ट हो जाएगी सो so, ये yes, uh, मतलब जो एयर सैक होगा उसमें फ्लूड फिल हो जाएगा फ्लूड फिल्ड ओके वजह से ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होगी कफ होगा फीवर होगा तो ये निमोनिया जनरेट होगा और निमोनिया का कॉज कौन करेगा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी स्ट्रेप्टो कोकस निमोनी ओके okay. फिर लास्ट है हमारा एम्फिसेमा सो एम्फीसेमा में क्या होगा कि ये डैमेज कर देगा हमारे एल्वियरी वॉल्स को और ये क्या करेगा उससे क्या होगा हमारे रेस्परेटरी सरफेस है मतलब रेस्पिरेशन का जो जहाँ पर स्टोर होता है वहाँ पर वो उसका जो फंक्शन है वो कम कर देगा मतलब ये क्या कर देगा डिक्रीज इन रेस्पिरेटरी सरफेस और ये कब होगा हमारे रेस्पिरेटरी सरफेस कब कम हो जाएगी जब हमारे एल्वियरी वॉल्स में डैमेज होगा और वो कब होगा स्मोकिंग से सो so, यस yes, अगर वो पर्सन जो है अगर वो पेशेंट जो है अगर स्मोकिंग कर रहा है तो वो जो एलवी एलोजी के जो सेल्स हैं उसको क्या कर देगा डैमेज कर देगा और उसके जो वॉल्स है वो डैमेज हो जाएंगी जिसकी वजह से क्या होगा डिक्रीज इन रेस्पिरेटरी सरफेस हो जाएगा मतलब जो रेस्पिरेटरी सरफेस है उसमें डिक्रीजन हो जाएगा सो so, येस yes, वो पर्सन जो है वो कौन सी बीमारी से सफ़र कर रहा है दैट इज़ एम फी सेमा सो येस डी इज़ आवर करेक्ट आंसर नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन मोनोक्साइड इज़ मोर टॉक्सिक देन कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज इट यस इसमें पूछा है कि कार्बन मोनोक्साइड जो है वो ज़्यादा टॉक्सिक है कार्बन डाइऑक्साइड से तो ऐसा क्यों क्यों माना जाता है तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे क्यों लंग्स को डैमेज करते हैं या फिर वो एसिड मतलब एसिड वाटर में फॉर्म करेगा या फिर वो अफेक्ट करेगा हमारे नर्वस सिस्टम को या फिर रिड्यूस करेगा ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो ऑक्सीजन uh, हेमोग्लोबिन uh, जो ऑक्सीजन कैरी करता है उसमें रिड्यूस uh, कर देगा तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है डी वो कैसे होगा क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वो किसका आर का प्रोटीन है राइट ठीक है वो आर का प्रोटीन है तो जनरली ये क्या करेगा सिर्फ सिंग ऑक्सीजन को कैरी करता है ठीक है लेकिन ऑक्सीजन में भी किसको उसके एटम्स को ऑक्सीजन के एटम्स को बट जो ये सी बट जो ये कार्बन मोनऑक्साइड होगा वो डायरेक्टली इसके चेन में मतलब कि ऑक्सीजन के चेन में जाके ये उसको बाइंड हो जाएगा उसके साथ ठीक है तो वो बाकी का जो प्रोसेस होता है जो कि कन्वर्जन होगा मतलब पूरी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो वहीं पर ही वो उसका काम जो क्या कर देगा इनहिबिट कर देगा ठीक है कौन करेगा ऐसा कार्बन मोनॉक्साइड तो वहीं वो काम रुक जाएगा तो जिसकी वजह से क्या होगा जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा कार्बन मोनॉक्साइड टॉक्सिक है क्यों क्योंकि ये डायरेक्ट ऑक्सीजन की चेन में जाके बाइंड हो जाएगा ओके okay. तो जिसकी वजह से क्या होगा हीमोग्लोबिन का जो आगे फॉर्मेशन है उसका जो आगे काम है वो रुक जाएगा जिसकी वजह से और वो क्या करेगा रिड्यूस कर देगा ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को क्योंकि वो डायरेक्ट चेन में बाइंड होता है सो so, येस yes, इसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ज़्यादा टॉक्सिक है कार्बन डाइऑक्साइड से ठीक है नाउ हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है एडम्स एप्पल रिप्रेजेंट्स ठीक है हमें पूछा है कि एडम एप्पल जो है उसमें कौन से कार्टिलेज होते हैं ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल एडम्स एप्पल क्या होता है तो एडम्स एप्पल कोई एप्पल का नाम नहीं है बल्कि ये जो पिक्चर में आप देख रहे हैं सो so, ये yes, आपने जनरली uh, काफ़ी सारे यूम्स uh, में देखा होगा स्पेशली जो मेल्स में है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है मेल्स में आप ज़्यादातर देख सकते हैं सो so, ये है एडम्स एप्पल तो इसमें कौन सा कार्टिलेज होगा ठीक है यह पे is, cartilage, cartilage, ar तो यहाँ पे हमने कार्टिलेज के नेम दिए हैं दैट इज क्रैकॉइड कार्टिलेज थायरॉइड कार्टिलेज आरिटिनइड कार्टिलेज एंड एपिग्लॉटिस तो यहाँ पर पूछा ये कि इसमें कौन सा कार्टिलेज होगा तो यहाँ पर है क्रैकॉयड कार्टिलेज तो ये कहाँ पर मिलेगा हमें इन ट्रैकिया इन विंड पाइप और या फिर वॉइस बॉक्स वॉइस बॉक्स को हम लैरिंग्स भी कह सकते हैं yes, तो क्रैकॉइड कार्टिलेज जो है वो हमें ट्रैक किया विंड पाइप और वॉइस बॉक्स में भी हमको मिल सकता है फिर नेक्स्ट है हमारा थायराइड कार्टिलेज तो येस yes, ये है हमारा करेक्ट आंसर कि एडम्स एप्पल जो है वो थारॉयड कार्टिलेज से बना हुआ होता है मतलब कि थाइरॉयड कार्टिलेज किसमें इन्वॉल्व होगा हमारे एडम्स एपल में और एडम्स एप्पल को हम और भी क्या कह सकते हैं प्रोमिनेंस ओके राइटिंग थोड़ी सी बुरी है समझ लेना जो क्राइकोइड कार्टिलेज जो है वो ट्रेकिर विंड पाइप और वॉइस बॉक्स में मिलेगा थायराइड कार्टिलेज जो है वो एडम्स एप्पल और एडम्स एप्पल को हम और क्या कह सकते हैं लेरेंजियल प्रोमिनेंस फिर नेक्स्ट है हमारा एलिटेनॉइड कार्टिलेज एलिटोनॉइट so, कार्टिलेज हमें कहा मिलेगा लयरिंग्स और ये क्या करेगा जो वोकल साउंड है उसका प्रोडक्शन करेगा सो इट इज़ फाउंड इन द लैरिंग्स तो ये या आप याद रखना और ये क्या करेगा प्रोड्यूस करेगा वॉइस को हमारे साउंड को मतलब जब बोलते हैं तो यस ये से होता है फिर नेक्स्ट है हमारा एपिग्लॉटिस तो एपिग्लॉटिस का बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन होता है ये क्या करेगा जब हम कोई फूड या फिर कोई वाटर लिक्विड हम कंज्यूम करते हैं तो ताकि वो विंड पाइप में ना चले जाए ताकि वो वहाँ इन्फेक्ट ना करे इसलिए वो क्या कर देगा वो विंड पाइप को कवर कर देगा सो so, ये जनरली क्या कर देगा कवर विंड पाइप जो जस्ट अबाउट लेरिंगस होता है मतलब लेरिंग्स के जस्ट ऊपर होता है तो ये क्या करेगा जब हम खाना है फिर कोई भी लिक्विड हम कंज्यूम कर दें तो विंड पाइप को बंद कर देगा इसीलिए कहते हैं कि जब हम खाना खाते हो तो बोलना और बा, बातें करना फिर हंसना मना है तो क्योंकि जब हम खाना खा रहे हैं और बोल रहे हैं तो वो एपिग्लॉटिस का ना कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि वो इंसान खाना खा रहा है या बोल रहा है क्योंकि हम जब हम बोलते देते हैं तभी भी हमें ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट होती है हमें एक्सचेंज ऑफ गैसेज की रिक्वायरमेंट होती है तो वो किसको क्लोज करेगा इसके वजह से क्या होता है कभी कभी हमारे खाना अटक जाता है या फिर आ, रुक जाते हैं खाना खाते वक्त हमें कफिंग शुरू हो जाती है सो so, इसलिए कहा जाता है ये खाना खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए सो so, यहाँ पे एडम एप्पल पे आते हैं सो so, एडम एप्पल रिप्रेजेंट किसको करेगा थायरॉयड कार्टिलेज को सो so, ये याद रखना एडम जैपल रिप्रेजेंट थायरॉयड एड कार्टिलेज नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ हॉर्न्स ऑफ मोस्ट मैमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैमल मैमल तो मैंने कितनी बार आपको प्रीवियस मेरे वीडियोस अगर आपने देखे होंगे तो आप उसमें बताया कि मैमल्स मतलब क्या होता है सो so, मैमल्स मतलब होता है जो डायरेक्टली प्रोड्यूस uh, करते हैं अपने यंग वंस को मतलब वो एग नहीं ले करते वो अपने uh, बेबी को जो फीड करते हैं मिल्क से सो ये अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में, में कहूँ तो सो so, मैमल का डेफिनेशन जो है वो ऐसे रिप्रेजेंट होता है सो हॉर्नस ऑफ मोस्ट मैमल्स ऑफ कंपोज होता है यहाँ पर मैंने एक मैमल लिया दैट इज डियर सो इसका जो हॉर्न आप देख रहे हैं तो ये किससे कंपोज होगा किससे बना होगा सो यहाँ पे ऑप्शन है हमारा बोन्स कार्टिलेज कैराटीन काइटीन से पूछा कंपोजिशन किससे होता है ओके सो ये जो हॉर्न जो है वो होगा उसमें बोन कोर ही होगा बट ये पे कंपोजिशन पूछा है ना तो कंपोजिशन किससे होगा उसका जो बाहर की जो लेयरिंग होती है वो किससे होती है वो होती है कैराटीन से सो कैराटीन एक्चुअली है क्या सो कैरेटीन नथिंग बट ये प्रोटीन है सो ये प्रोटीन है जनरली ये जो हॉर्न दिख रहा है उसके जो बाहर जो कंपोजिशन है वो ये प्रोटीन उससे बना होता है तो हॉर्न ऑफ मोस्ट मैमल्स आर कंपोज्ड ऑफ कैरेटीन फिर नेक्स्ट है हमारा काइटीन सो काइटीन नथिंग बट अ फाइबरस कंपोजिशन जो है वो होगा मतलब इट इज कम्पोज ऑफ कंसिस्ट ऑफ मैनी पॉलीसेक्रेट सो काइटीन जनरली उसको कहते हैं बट हमारा करेक्ट आंसर जो है वो है सी दैट इज कैराटिन सो हॉर्न्स ऑफ मोस्ट मैमल्स आर कंपोज ऑफ कैराटीन नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द टर्म इको सिस्टम वॉज क्वाइंड बाय ओके सर पूछा है कि जो टर्म इको सिस्टम है वो किसने कॉइंड किया था मतलब किसने कहा था फर्स्ट टाइम कि इसको इको uh, सिस्टम कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इको सिस्टम होता क्या है हम किसे कहेंगे इको सिस्टम सो इको सिस्टम मतलब होता है कि कोई भी लिविंग या फिर नॉन लिविंग कंपोनेंट लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट अगर एनवायरमेंट में इन्वॉल्व होता है तो उसे हम इको सिस्टम कहते हैं मतलब कि सब कुछ इको है चाहे वो लिविंग है मतलब एनिमल ह्यूमन्स बर्ड्स या फिर नॉन लिविंग है ट्रीज या फिर रिवर्स uh, जो भी आता है उसको हम इको कहते हैं तो ये तो कितना इंटरेस्टिंग नाम है वो दिया तो दिया किसने है यहाँ पे ऑप्शन है ए जी टेंसले ई हैकले ई वार्निंग और ई पी ऑर्डम तो पहले मैं बता दो कि ये जो क्वेश्चन जो है ना वो आपको ए आई पी एम टी मतलब ऑल इंडिया पी एम टी में टू थाउजेंड सिक्सटी में पूछा गया क्वेश्चन है, है बाकी के जो क्वेश्चन है वो भी तो रिसेंट के मतलब फोर ईयर या थ्री ईयर के पहले के क्वेश्चन है बट जो ये है वो टू थाउजेंड सिक्सटीन में पूछा गया ये क्वेश्चन तो हाँ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं तो इस चीज़ की भी प्रिपरेशन करते रहना सो तो यहाँ पे ऑप्शन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा होगा एजी टेंसले सो यस द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइंड बाय एजी टेंसले सो हियर इट इज तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मेरे ऐसे ही वीडियोस और भी आते रहेंगे और भी क्वेश्चन सेशंस होंगे हमारे मतलब 500 प्लस लिखा है सो so ऑब्वियसली 500 प्लस और भी एमसीक्यूज होंगे सो so, यस yes, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा सो हिट द लाइक बटन कमेंट करके बताइए कैसा लगा और आपको कोई भी डाउट है वो कमेंट करके बता सकते हैं अपने फ्रेंड्स को शेयर किए करिए और अगर अभी तक आपने वक्तरा एजुकेटर्स के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो ज़रूर करिए तब देख के लिए टेक केयर बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग